मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए इटली ले चलता हूं मैं आपको, और इटली में जो खाना मिलता है, वाह 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 क्या खाना मिलता है। पिज्जा तो अच्छे मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो पास्ता हैं वो कितने बढ़िया होते हैं। बस दिल करता है कि पास्ता मिले ताज़े वाले, उसके साथ में ढेर सारी अलग अलग सॉसेज हों और खाना खाते रहें, बीच बीच में कभी पिज्ज़ा, कभी फ्रूट्स और नाच गाना, बहुत सारी चीज़ें। शुरुआत करते हैं फ्रेश पास्ता से। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मैदा। ये हार्ड वाला मैदा होता है, तो इसका एक डो बनाना है हमें। पहले डो बनाने के लिए मेरे पास तो है ये मशीन, तो मैं मशीन में बना लेता हूँ आसानी से। तो ये मैदा, और उसके साथ साथ इसमें डालते हैं नमक और अंडे की जर्दी, और अब इसे हम गूंद लेते हैं। पहले कम स्पीड पे, इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। चलिए काम करते हैं, इसमें थोड़े एग वाइट भी डाल लेते हैं। ये एग वाइट, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से गूंदेंगे, और अब इसमें हम डालते हैं ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से गूंदें। तो ये देखिए बढ़िया डो तैयार हो गया है, और अब इसे आप रेस्ट दे दें कुछ देर तक, करीब 2 घंटे तक गीला कपड़ा इसके ऊपर रखें और इसे रेस्ट दे दें, और उसके बाद इसे हम बेलेंगे। चलिए ये जो डो है इसे हमने रेस्ट दे दिया है, अब क्या करना है। अब मेरे पास तो है ये, इसमें से हम इसकी शीट बनाएंगे। मैदा ले लें और मैदा इस पे लगाएं। ये मैदा लगा लिया, और अब क्या करना है, अब देखते हैं कि इसको हमने फैलाना कैसे है। ये देखिए ये कितनी बढ़िया ये निकल रही है नीचे से इसकी शीट, और जितना ये चौड़ा हो उससे थोड़ा कम ये रहना चाहिए, तो इस तरह से। और अब इसे हम इसमें से निकालेंगे, और ये देखिए कितनी पतली इसकी ये शीट निकल रही है। अब जो नेक्स्ट रेसिपी मैं बनाऊंगा वो है लज़ानिया। लज़ानिया की शीट्स ये मैंने ले ली, ये देखिए लज़ानिया के लिए मैंने ये पतला काट लिया, और ये इस तरह से मैं काट लेता हूँ। और ये जो शेप है, आप इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं, इसे लंबा काट सकते हैं आप। अब एक बड़े बर्तन में पानी ले लें, और पानी को कर लें गरम। अब ये पानी गरम होने लगा है, इसमें हम डाल देते हैं नमक। अब ये पानी उबलना शुरू हो गया है, अब इसके अंदर हम डालते हैं ये फ्रेश पास्ता शीट्स, और इसे बॉयल करना है, पकाना है, और इसे ज़्यादा नहीं पकाएं आप। ये देखिए बस इतना ही इसे हमने पकाना है। अब इसे हम बंद कर देते हैं, और ये कोलेंडर में आराम से, ये देखिए। और ये जो पास्ता है इसे मुझे करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश कैसे करेंगे, ठंडे पानी में। ये पानी मेरे पास है, और अब ठंडे पानी में इसे डाल देते हैं, और इसकी एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं होगी। ये देखिए रिफ्रेश कर लें पानी के अंदर, जब ज़रूरत हो तब इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद इसका एक रीकैप। फ्रेश पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 3 एग योल्क यानी अंडे की जर्दी, 2 एग वाइट यानी अंडे की सफेदी, और 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल।
इसे बनाने के लिए डो मशीन में मैदा, नमक और अंडे की जर्दी मिलाएं। इसमें एक वाइट और ऑलिव ऑयल डालकर इसका सख्त मैदा गूंद लें। यदि मशीन ना हो तो आप इसे हाथ से भी मिलाकर गूंद सकते हैं। और अब इस गुदे हुए मैदे को करीब 2 घंटे के लिए रख दें और इसके बड़े पेड़े बनाकर इसके ऊपर मैदा लगाकर मशीन की सहायता से पतला बेल लें और बेलने के बाद इसे चाकू की सहायता से लंबा काट लें। एक पैन में पानी गर्म करके इसमें नमक और तैयार पास्ता डालकर करीब आधा पकने तक यानी ऑल दांते होने तक पकाएं और फिर इसे निकाल कर ठंडे पानी से रिफ्रेश करके रख लें और इस्तेमाल करें। खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आज आप देख रहे हैं हमारा पास्ता एपिसोड, जिसमें फ्रेश डो पास्ता पहले बनाया और उसे पकाया, अब उसी से हम बनाएंगे लजानिया। तो इस डिश के लिए ये जो सॉस हमने बनानी है वो कैसे बनानी है, उसके लिए हम ले लेते हैं ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल और ये बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर, और उसके साथ साथ सेलरी ये भी ले लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं कटा हुआ लहसुन, क्रश करके डालें आप तो अच्छा टेस्ट आएगा। और लहसुन की जो मात्रा है वो ज़्यादा, खैर ये प्याज सॉफ्ट हो गया। और अब इसमें ज़रा गाजर का टेस्ट देते हैं हम, थोड़ी सी गाजर। और उसके साथ अब इसमें हम डालेंगे मटन का कीमा। आप चाहें तो इसे वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, उस केस में जो जो आपकी पसंद की वेजिटेबल्स हैं वो डालकर इस सॉस को बनाएं। और अब इसे हमने भूनना है, पकाना है। और अब ये जो मटन है इसे हमने भून लिया, अब इसमें डाल देते हैं पानी और पानी डालकर इसे पकने देते हैं। जब तक ये मटन पकता है एक काम हम कर लेते हैं, ये इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है और उसके लिए ले लेते हैं मैदा और थोड़ा सा मक्खन। ये देखिए मैदा और मक्खन, और इसकी हम गोलियां बनाएंगे। ये जो गोलियां बनेंगी ये सॉस को गाढ़ा करेंगी। वापस चलते हैं अपने ये कीमे के पास, और कीमा तैयार हो रहा है। नमक इसमें और उसके साथ साथ पेपर, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो कीमा है ये काफ़ी अब पक चुका है। बस इसका मतलब है अब बारी आती है टमाटर डालने की। टमाटर इसके अंदर ये डाल दिए टमाटर। अच्छा, यदि आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर के साथ साथ थोड़ी टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हैं, उससे रंग ज़रा अच्छा आता है। तो कहें तो मैं टमाटो प्यूरे भी डाल दूं। हाँ, ये टमाटर तभी आप डालें जब मटन गल जाए, उससे पहले नहीं। और अब ये कर लेते हैं हम मिक्स। और अब ये जो हमारी मक्खन और मैदे की गोलियां हैं वो इसमें डालते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। और अब जिस डिश में आपने इसे बेक करना हो वो डिश ले लें। मेरे पास ये डिश है। और अब ये जो पास्ता है, जो लज़ानिया शीट्स हैं, इसको हमने पानी में रखा हुआ है, पानी इसमें से निकाल देते हैं। ये जो शीट्स हैं ये लें, इसको रखते हैं इस तरह से और डालते हैं इस सॉस को। इसके बाद इसमें और ये डाल देते हैं लेयर, फिर से सॉस की लेयर, ये भी आ गए। और अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ सॉस इस तरह से, चीज़ और इस पे। और जब इसे हम बेक करेंगे ये डिश हो जाएगी थोड़ी ड्राई, लेकिन ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी। इसे हम अवन में पकाएंगे, प्री हीटेड अवन 180 या 190 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 से 20 मिनट तक इसे पकने दें। और उसके बाद इसको आप परोसें गर्मा गर्म। इसके साथ में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 12 फ्रेश लजानिया की शीट्स, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, सॉस के लिए 1 कप मटन का कीमा, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ी सी सेलरी बारीक कटी हुई, 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 गाजर कटी हुई, 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच मक्खन, नमक स्वादानुसार, 4 काली मिर्चें कुटी हुई, 2 कप टोमेटो केनकसे, 5 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरे, आधा कप चीज सॉस और आधा कप चीज ग्रेट किया हुआ। इसे बनाने के लिए पानी में नमक डालकर उबाल लें और लजानिया शीट को आधा पका लें। अब चाहें तो इसे ठंडे पानी में डालकर इसे रिफ्रेश कर लें। एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें प्याज, सेलरी और लहसुन डालकर भून लें। अब गाजर और मटन का कीमा डालकर तेज आंच पर करीब 4 मिनट तक पकाएं और थोड़ा पानी डालकर इसे कुछ देर तक और पका लें। अब नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर मिलाएं। इसमें टोमेटो केनकसे और टोमेटो प्यूरे डालकर इसे थोड़ा और पका लें। मैदे में मक्खन मिलाकर हाथ से मिलाएं। इसकी गोलियां बनाकर इन गोलियों को पके हुए कीमे में डालें और इसे थोड़ा और पका लें। अब एक ओवन प्रूफ डिश ले लें और इसमें पकी हुई लजानिया की शीट्स और पकी हुई सॉस की लेयर लगाएं। इसके ऊपर चीज सॉस और ग्रेट किया हुआ चीज डालें और इसे प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 से 20 मिनट तक बेक करें और गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरे साथ में शरद। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। पहले बताओ शरद, खाना बनाने का खाने का कितना शौक है? खाने का तो इतना और बनाने का इतना शौक है मुझे। खाने का इतना बनाने का इतना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। बस मैं जा रहा हूँ कि अब आप खाना बनाएंगे और क्या बनाएंगे? सामान देख के लग रहा है आज हम फेटुचिनी विद पेस्टो सॉस। फेटुचिनी विद पेस्टो सॉस, वही बात। नाम बिल्कुल ठीक पड़ा है वाकई। मुझे चिंता हो रही है कि ऐसा ना हो कि शरद ये शो कर रहा हो और मैं साथ फेरे में छोड़ रहा हूँ। मुझे तो लेंगे नहीं, आप तो खाना बना लेंगे, मुझे कहीं और नहीं लेगा। एक काम करते हैं, मैं खाना बनाता हूँ, आप जरा नहीं, साथ में बनाएंगे। मैं खा लूंगा इसको। नहीं, साथ में बनाते हैं। ये जो पेस्टो सॉस है वो पहले उसकी पेस्टो बेस जो है वो तैयार कर लेते हैं, फ्रेश बेजिल। तो ये जो पेस्टो है बनेगी फ्रेश बेजिल के साथ में। अच्छा, इसके अंदर आप थोड़ा सा 2-3 कलियां लहसुन की डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसे हमने ये लीजिए, ये है पाइन नट्स। पाइन नट्स इसके अंदर डालेंगे। ये और इसके साथ ऑलिव ऑयल और अब इसके अंदर पेपर, काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च। और ये है पार्मेजान चीज। आप पार्मेजान चीज जो है थोड़ा महंगा मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और नहीं तो ब्लॉक फॉर्म में भी मिलता है। पाउडर फॉर्म में आजकल ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ पर, लेकिन ब्लॉक फॉर्म में ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो भी मिले आपको वो इसके अंदर पार्मेजान, ये डेढ़ चम्मच। हाँ, इतना पेस्टो सॉस। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा कलर है इसका। ओके, अब क्या करना है? अब ये पानी जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें आधा चम्मच ये नमक। नमक डाल दिया जी। और अब ये फेटुचिनी आप डालें। बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था कि ये हाँ। सब कार्य मैं करता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आपने देखा कि मैंने एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है और उसके अंदर ये छन्नी सी डाली हुई है ताकि इसको निकालने में आसानी हो। ये सारी डाल दें। ओके, तब तक हम इसकी सॉस तैयार करते हैं और इसकी सॉस के लिए ऑलिव ऑयल। और अब ये जो पेस्टो है ये बस ऑलिव ऑयल और ये पेस्टो। ये तो फेटुचिनी कैसी होगी, दांत पे चिपकेगी या नहीं चिपकेगी? आपके ये जो सात फेरे हैं ये बड़ा जम रहा है आजकल। बस मेहरबानी है, मेहरबानी है। हाँ, व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आगे भी पसंद करें। हाँ, स्टोरी काफी डिफरेंट है। हाँ, और एक्टर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब एकदम अलग। पोर्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी है और हटके है। अब ये ले लेते हैं हम
फ्रेश, और ये निकाल लिया, ये अब इसके अंदर। वाह वाह भाई वाह। और अब देखिए, ये जो है पेस्टो जो सॉस है, ये काफ़ी इसके अंदर फ्लेवर होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको और सटल करने के लिए ये जो सॉस है इसे हम क्रीमी टेक्सचर देंगे। नमक कभी कभी खा लेना चाहिए। कभी कभी, कभी कभी। और इसमें पेपर। और ये आ गया, तो ये इसमें दूध डाल देते हैं। और अब ये फटेगा नहीं। ये इसमें पार्मेजान चीज डाल दिया, और अब और कुछ नहीं करना है। चलिए अब ये तैयार हो गई, जिस डिश का नाम है फेटुचिनी विद पेस्टो सॉस। फेटुचिनी विद पेस्टो सॉस अब घर जाके बनाएंगे और इम्प्रेस करेंगे अपनी वाइफ को। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, बहुत मजा आया। इसी तरह से खाना बनाते रहें, सिखाते रहें, आप भी सीखें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फ्रेश फेटुचिनी, एक छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 6 काली मिर्च कुटी हुई, आधा कप दूध, 2 बड़े चम्मच पार्मेजान चीज, 2 बड़े चम्मच व्हाइट सॉस और 4 बेजिल की पत्तियां। पेस्टो सॉस के लिए 3/4 कप बेजिल की पत्तियां, 4 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच पाइन नट्स यानी चिलगोजे, 5 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 5 काली मिर्च और 1/4 कप पार्मेजान चीज। इसे बनाने के लिए फेटुचिनी को नमक में पानी डालकर पका लें और इसे ठंडे पानी से धोकर रिफ्रेश कर लें। अब एक फूड प्रोसेसर में बेजिल की पत्तियां, लहसुन, नमक, पाइन नट्स और ऑलिव ऑयल डालकर इसे मोटा पीस लें। इसमें कुटी हुई काली मिर्च और पार्मेजान चीज डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें पेस्टो सॉस डालें और इसे कुछ देर तक भूनें। अब इसमें पका हुआ पास्ता यानी फेटुचिनी डालकर मिक्स कर लें। और अब इसमें डालें थोड़ी सी व्हाइट सॉस या क्रीम, और इसके साथ इसमें नमक और पेपर पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें डालें थोड़ा दूध और पार्मेजान चीज, और इन सब चीजों को मिलाएं और गर्मा गर्म परोसें। घर में पास्ता बनाना और होटल में पास्ता खाना, दोनों एकदम अलग एक्सपीरियंस है। या एक्सपीरियंस ये कि घर में सब कुछ खुद करना पड़ता है और बाजार में सब करा कराए मिल जाता है। आज क्या खाएं? मुझे लग रहा है कि स्पेगेटी भी है, पेने भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टोमेटो सॉस है, क्रीम है, पेस्टो है, पाइन नट्स हैं, केपर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, चिलीज हैं, पेपर हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि क्या खाऊं मैं। लेकिन एक काम करते हैं शेफ, मुझे आप पेने बना के दें। नाइस क्रीमी पेस्टो के साथ में पेने तैयार है। गर्मा गर्म खाने का मज़ा कुछ और ही है। और दांते, दांत में थोड़ा सा चिपकना चाहिए। और अब आ रही है आज की टिप की। मेरे पास ये प्रश्न हमेशा आता है कि चीज सॉस घर पे कैसे बनाएं? एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालकर गरम करें और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा डालकर भून लें। अब इसमें डालें 1 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स कर लें ताकि इसमें गांठें ना पड़े। 1/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज, नमक और पेपर पाउडर डालकर मिलाएं और जरूरत पड़ने पर छान लें और इसे इस्तेमाल करें। तो लीजिए, ये हो गया आज का हमारा एपिसोड पास्ता का। फ्रेश डो पास्ता आज आपने देखा किस तरह से बना सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बहुत डिमांड थी इसीलिए आपको दिखाया। घर में बनाएं, मुझे बताएं जरूर, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप बताएंगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। बुलाएंगे ना, जल्दी बुलाइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इजाज़त दें, नमस्कार।